नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। जहाँ दोस्तों मैं बता दूं, आज ANM और GNM भर्ती को लेकर लगभग 150 केसेस की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई हुई और दोस्तों लगभग सभी केसेस पर आज जोरदार और लंबी बहस चली। मैं बता दूं, GNM भर्ती 2018 पर जो स्टे है सुभाष चंद्र रोहत नाम राजस्थान सरकार का, उस पर भी सुनवाई हुई और बहुत जबरदस्त वहां पे बहस हुई। मैं बता दूं, आज ANM और GNM के RNC डाइवोर्स एवं आज जो अन्य सभी जो केसेज हैं वो खारिज हो गए। सुभाष चंद्र रोहत वाला जो केस है उस पे अंतिम निर्णय कल होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 तारीख यहाँ पे अंतिम निर्णय के लिए दे दी है। बड़ी अपडेट आपके सबसे बड़े YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नर्सेज भर्ती 2018 को लेकर आज ANM GNM भर्ती पर हुई फाइनल सुनवाई। अधिकतम याचिकाएं यहाँ पे खारिज हो चुकी है। सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि हर बार की तरह आज दिनांक सुबह 10 बजे कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस संजीव प्रकाश जी आए और सुनवाई आरंभ हुई। आज 10 से 1 बजे तक एवं 2 से 4 बजे तक नर्सेज भर्ती याचिकाओं पर जमकर बहस हुई। एक तरफ सरकार की तरफ से AG महेंद्र जी सिंह भी, WAG विभूति भूषण शर्मा जी एवं अधिवक्ता ज्वाइंट डायरेक्टर संजय सक्सेना जी, RNC रजिस्ट्रार महेश शर्मा जी, प्रदीप सिसोदिया जी, OIC साहब, वहीं दूसरी ओर से प्राइवेट अधिवक्ताओं की लाइन लगी हुई थी। दोनों तरफ से खतरनाक बहस चली एक दूसरे की याचिकाओं को लेकर। तथ्य पेश किए जा रहे थे, बीच में जज साहब सबको सुन रहे थे, दूसरे कोने में संघर्ष समिति सदस्य अपनी आंखें लगाए खड़े हुए थे, कब न्याय मिलेगा। अधिकांश केसेस दोस्तों खारिज होते जा रहे थे, कुछ केस में आदेश हुए। संघर्ष समिति सदस्य इससे पूर्व AG साहब, WAG साहब से सुभाष रोहत वाले केस की अग्रिम सुनवाई के लिए निवेदन कर रहे थे कि कैसे भी आज सुनवाई हो सके। संघर्ष समिति के सदस्यों ने निवेदन पर AG साहब ने तकरीबन 3:20 पर सुभाष रोहत बनाम राजस्थान सरकार को सुनने के लिए कहा और 15 मिनट तक यहाँ पे जबरदस्त बहस चली। दोस्तों मैं बता दूं, जज साहब ने बाकी बचे हुए केस और जो कुछ थोड़े बहुत केस बचे हैं, इसके अलावा सुभाष चंद्र रोहत बनाम राजस्थान सरकार के जो केस है जिसको GNM भर्ती को लेकर स्टे लगा हुआ है, उस पर कल 6 मार्च को सुनवाई की अंतिम तारीख यहां पे दी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आपके सबसे बड़े YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। ANM GNM के जो RNC डिफरेंट ऑर्डर, इसके अलावा डाइवोर्स के जो केस थे वो यहाँ पे खारिज हो चुके हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़े YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। इसके अलावा लगभग 3:15 सुभाष चंद्र रोहत बनाम राजस्थान केस सरकार के केस की भी यहाँ पे सुनवाई हुई और जमकर बहस चली। दोस्तों कल इस पे मैं बता दूं, सुभाष चंद्र रोहत बनाम राजस्थान सरकार पर अंतिम सुनवाई है और कल ही ये स्टे भी यहाँ से हट जाएगा। बड़ी अपडेट दोस्तों सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। इसके अलावा ANM GNM भर्ती के जो अधिकांश केसेस थे वो खारिज हो चुके हैं और सुभाष चंद्र रोहत वाले केस पे भी बहुत टाइम तक बहस चली और कल इसका अंतिम निर्णय होगा सुभाष चंद्र रोहत बनाम राजस्थान सरकार का। और लगभग जो केसेज हैं आज खारिज हो चुके हैं दोस्तों, और जो थोड़े बहुत केसेज बचे हैं वो कल फिर से यहाँ पे सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 9 में। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी की अदालत में AG महेंद्र जी सिंह भी, WAG विभूति भूषण शर्मा जी, इसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर संजय सक्सेना, RNC रजिस्ट्रार महेश शर्मा जी, प्रदीप सिसोदिया जी, OIC साहब एवं दूसरी तरफ प्राइवेट अधिवक्ता प्राइवेट एडवोकेट पेटिशनर की तरफ से पैरवी कर रहे थे। मैं बता दूं दोस्तों, बहुत ही बड़ी खतरनाक बहस चली और एक दूसरे की याचिकाओं को लेकर तथ्य पेश कर रहे थे। लगभग केसेज यहाँ पे खारिज हो चुके हैं और जो सुभाष चंद्र रोहत बनाम राजस्थान सरकार का केस है उस पर भी सुनवाई हुई। दोस्तों बड़ी अपडेट, जैसा कि राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ ने आपको कल ही बता दिया था कि सुनवाई की कोशिश की जा रही, 100% सुनवाई होगी और आज सुनवाई हुई। एक बार फिर से राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ 100% सत्यता के साथ में आपको फिर से न्यूज प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों कल सुभाष चंद्र रोहत बनाम राजस्थान सरकार के केस का जो स्टे है वो हट जाएगा और POP जो है उसके 24 भरवाने आपसे स्टार्ट हो जाएंगे। ANM GNM के अधिकांश केसेस खत्म हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं, जिसमें RNC डाइवोर्स एवं अन्य जो केसेस थे, चाहे वो ईरन नेम PPP मोड और अदर स्टेट का मैं बता दूं दोस्तों, अदर स्टेट के बोनस वाले केसेस हैं वो यहाँ पे खारिज हो चुके हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।